ना तो समझ हम के दिन तपाशाला में मुझे तलाने के लिए मना किया है। मासिक संगठन के दिन गीता पाठशाला में मुरली चलाने के लिए मना किया। मना किया और क्या चलाए? सभी लोग पढ़ने आएंगे तो उनके लिए मुरली नहीं चलाएंगे तो क्या चलाएंगे फिर हैं? हैं? हाँ, मासिक संगठन के दिन बाबा की वाणी नहीं सुनेंगे, मुरली नहीं सुनेंगे तो क्या सुनेंगे? किसने कहा कि मुरली नहीं सुनाना है मासिक संगठन के दिन? माता जी कस्टम है ना, कस्टम माता जी बता रही है कि संगठन के दिन सब मधुबन में आना चाहिए, दूसरी बात गीता पाठशाला में मुरली नहीं चलाना चाहिए, ऐसा मधुबन से भी खबर आया हो, वो बात बता रही है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मासिक संगठन के दिन आपने गीता पाठशाला में संगठन नहीं करो, मधुबन में संगठन करो, ये बात। कोई बीमार है, किसी को कुछ खास काम है, नहीं आ सकता है, तो कोई बंदिश थोड़े ही है बाबा। हम लोग को 4 घंटा 5 घंटा लगता है यहाँ पहुँचने में, ठीक है, हर एक महीना यहाँ। मधुबन तो 7-7 घंटे दूर है, कोई कोई मधुबन 8 घंटे भी दूर है गीता पाठशाला से, तो सब कैसे आ सकते हैं? ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं है हेड ऑफिस से कि गीता पाठशाला में मधुबन में जब संगठन होता है मासिक तो वहां क्लास नहीं चलना है। क्लास तो चल सकता है, लेकिन जो दूर दराज के लोग हैं वो मधुबन में कम से कम 2 महीने में एक बार तो आ सकते हैं। बाबा ऐसे नहीं कहा था, हेड ऑफिस से बोला था कि जिस दिन मधुबन में मासिक संगठन है और जिस टाइम में होता है उस टाइम में गीता पाठशाला में संगठन नहीं रखना, उस टाइम में चाहे सुबह रख सकते शाम को रख सकते, लेकिन उसकी तो गलत फहमी हुई है। जिस टाइम यहाँ संडे को मधुबन में संगठन होता है उस दिन गीता पाठशालाओं में संगठन नहीं रखना है, बड़ा संगठन। बोले थे बाबा, हम कितनी बार क्लियर भी किया कि क्लास चलाने की बात नहीं है, क्लास तो गीता पाठशाला में रोज चलना है। यही बात नवराज भाई ने फोन करके पूछे तब भी हमने यही बोला। भाषा प्रॉब्लम की वजह से कभी कभी गलत फहमी हो जाती है। और मुरली में आया ना काली दह, उसका काली दह माने एक गोरी है, महागौरी कही जाती है, वो अब विचारिणी है इसलिए गौरी है, और जो विचारी बनते हैं वो काली है, जैसे महाकाली। काली नदी और गोरी नदी दिखाते हैं ना, कौन सी काली नदी है? अरे कोई काली नदी है? यमुना नदी काली दिखाते हैं, और गंगा नदी गोरी दिखाते हैं। और थोड़ा सा चित्र मिला था है इसका, ये वास्तव याद कर ये किया थी। अरे जाने क्या क्या चित्र बनाए, माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए। हाँ और
ये ज्ञान से थोड़ा मिलता जुलता लगता है। ज्ञान से थोड़ा मिलता जुलता लगता है ना, ज्ञान से थोड़ा मिलता जुलता लगता है ना। तभी जो भाई चित्र दिखाए ना, तो हाँ। भाई जी बोल रहे हैं कि ज्ञान से कुछ मिलता जुलता है। वो दुनिया में ऐसी कोई चीज है जो ज्ञान से बाहर है? हाँ? ज्ञान में सारी दुनिया समाई हुई है या ज्ञान से कुछ बाहर है? सब कुछ ज्ञान के अंदर ही है। झूठे का भी ज्ञान बाप देते हैं और सच्चे का भी ज्ञान बाप ही देते हैं। माया रावण का भी ज्ञान बाप देते हैं और राम का भी ज्ञान बाप ही देते हैं। लेकिन बताए दिया है कि माया की मत पर ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। बाबा ने कितने चित्र बनवाए? मुख्य चार चित्र बनवाए जिनमें सारी दुनिया का सारा ज्ञान समाया हुआ है। और तो अभी आने वाले जो ब्राह्मणों के देने का मतलब जो कुछ भी घटनाक्रम है ना, तो उसका मतलब रहस्य मतलब उजागर होने के जैसा मतलब इसमें थोड़ा सा मिलता जुलता लगता है ना। क्या लगता है? मतलब आने वाले दिन जो भी पार्ट मतलब खुला होगा ना, खुला होगा, प्रत्यक्ष होगा आगे चल के, वो आपको पहले पता चल गया? मुझे चित्र ऐसे बता रहा है ना, इसीलिए हम चित्र बता रहा है। ये पता है चित्र किसने बनाया? बनाने वाले का पता है? बनाने वाले को प्रेरणा दिया मिला होगा, प्रेरणा मिला होगा ना। बनाने वाले का पता है, शास्त्र किसने बनाए ये पता ही नहीं। किसी ने भी बनाए हो, हमें तो उनके आधार पर चलना है। तो ये अंधश्रद्धा है या श्रद्धा है? तो शास्त्र भी तो यह ज्ञान को प्रूफ करेगा ना। है? शास्त्र भी तो यह ज्ञान को प्रूफ करेगा ना। अच्छा, मना जो ज्योतिष शास्त्र है और जो साइंस है वो ज्ञान को प्रत्यक्ष नहीं करेगी? दुनिया में जो भी ज्ञान है दुनिया वालों का भी, वो सारी दुनिया का सारा ही इंटेंशन ईश्वरीय ज्ञान के ऊपर ही आवेगा। हर तरीके से ईश्वरीय ज्ञान साबित होगा सच्चा। और 21 करोड़ नहीं 33 करोड़। हाँ, कितना कहाँ रहता है? इसी दुनिया में रहता है और कहाँ रहता है? कब आएगा? नहीं आ रहा है, आ चुका। भगवान बाप प्रत्यक्ष होते हैं तब तक 33 करोड़ आत्माएं इस सृष्टि पर आ जाती हैं। अभी भी आ रहे हैं, अभी पूरी प्रत्यक्षता कहाँ हुई है? और कोई आपस में लड़ते रहते हैं, फिर क्लास भी करते रहते हैं, तो उनका परिणाम क्या होगा? अभी शूटिंग हो रही है, लड़ाई की शूटिंग करेंगे तो वहां भी द्वापर कलयुग में क्या करते रहेंगे? लड़ाइयां ही करते रहेंगे, उनको शांति नहीं मिलेगी। यहां जो श्रीमत पर चलेंगे वो नई दुनिया में तो सुखी रहेंगे ही, साथ साथ 63 जन्म में भी सुखी रहेंगे, शांति में रहेंगे,
श्री कृष्ण के लिए कहा गया है कि 18 साल के उम्र में वो राजगद्दी संभालेंगे, तो 36 में जब उनका जन्म होगा बाबा, तो क्या 36 के 18 साल बाद वो राजगद्दी संभालेंगे या 18 में उनका जन्म होगा? कौन से कृष्ण की बात है? सतयुगी कृष्ण की बात बाबा बोले। सतयुगी कृष्ण की बात, सतयुगी कृष्ण की बात शास्त्रों में आई है क्या? है संगम युगी कृष्ण की बात। तो संगम युगी कृष्ण की बात है। तो 18 साल की उम्र में राजगद्दी संभालेंगे बोला गया बाबा, तो मतलब 36 के बाद ही संभालेंगे संगम युगी कृष्ण। संगम युग में सारी महिमा कृष्ण की है या शिव बाबा की है? है शिव बाबा की सारी महिमा है। तो जिनको शिव बाबा कहा गया है वो ही विश्व का नाथ कहा जाता है, उसी के द्वारा कृष्ण की सोल भी कार्य करती रहती है। कोई स्थूल रूप में जन्म लेने की बात नहीं है, वो ही विश्व का मालिक कहा जाता है ज्ञानी आत्माओं के द्वारा, परंतु बनता तो नहीं है। ताजधारी बादशाह है कि बेताज बादशाह है? शंकर ताजदारी बादशाह है, बेताज बादशाह है। ज्ञानी आत्माएं समझती हैं कि इसके इशारे पर ही सारी दुनिया चल रही है, पत्ता भी तेरी सत्ता के बिना हिल सकता नहीं, खिले न कोई फूल। ये समय संगम युग की बातें हैं। शास्त्र में शिव पार्वती का जब विवाह दिखाया तो उसमें तो शंकर का ताज दिखाया। जब शादी होती है तो मौर जो दिखाते हैं वो ताज मोर पंख की निशानी है। मोर में क्या खासियत होती है? प्योरिटी की खासियत है, उसका नाम ही है रखा है मोर, सिर मोर, अर्थात पवित्रता की जिम्मेवारी का ताज धारण किया हुआ है। कहां तक पवित्रता की जिम्मेवारी धारण की है? कर्मेंद्रियों तक, ज्ञानेंद्रियों तक, या ज्ञानेंद्रियों में भी श्रेष्ठ आंखों तक, या ज्ञानेंद्रियों से भी परे की स्टेज में? कहां तक का ताज धारण किया हुआ है पवित्रता का? ज्ञानेंद्रियों से भी ऊंचा, ज्ञानेंद्रियों से भी परे की स्टेज, वाइब्रेशन के आधार पर ही सारी दुनिया को परिवर्तन कर देना। जैसे नेहरू जी के लिए कहते थे कि नेहरू जी के बातों का कोई कोई बहुत विरोध करते थे, परंतु नेहरू जी सब जब सामने आकर स्पीच देते थे तो सब उनके अनुकूल हो जाते थे। किस बात का प्रभाव हुआ? वाइब्रेशन का प्रभाव है। तो शंकर पार्वती के उस ताज की बात नहीं है जो शास्त्रों में दिखाया गया है, स्थूल ताज, ये तो पवित्रता की पूरी जिम्मेवारी धारण करने का ताज है। वो शादी कोई बर्बादी करने के लिए नहीं हुई है, उस शादी में बर्बादी करने के कोई चांसेस नहीं है।
कैसी दुनिया आ गई 21 जन्मों तक के लिए, एकदम पवित्र नई दुनिया आवेगी। और कोई बहन या माता सरेंडर होना चाहती है तो जब उसकी वानप्रस्थ अवस्था 60 साल आवेगी अथवा बीमार पड़ेगी तो उस समय क्या उसको घर भेजा जाएगा? कोई को भेजा गया है घर में? बेसिक में भेजा जाता है ना बाबा, बेसिक की बात यहाँ कहाँ है? बेसिक की बातों में और यहाँ की बातों में तो जमीन आसमान का फर्क है। बेसिक की बातें यहाँ क्यों ला दी जा रही? वो तो सन्यासियों की बात है और यहाँ सन्यासियों की बातें हैं या सारे ही गृहस्थी बैठे हुए हैं? यहाँ तो सारे ही गृहस्थी हैं, सन्यासी तो यहाँ कोई भी नहीं बैठे हुए हैं। और सृष्टि में अवतारित हुए 2036 में लिखा हुआ है। 36 में कृष्ण में अवतरित हुए, सीताराम अवतरित हुए कृष्ण में, सृष्टि में अवतरित हुए 36 लिखा हुआ है। लेकिन कोई एक आत्मभाष्य कहा कि 1234 में ही सृष्टि में अवतरित हुए हैं, 34 में जी, और 34 में ही वर्णमाला को कुछ साक्षात्कार किया करते थे, परंतु साक्षात्कार का अर्थ है भारत द्वारा न्याय समर्पण। लेकिन मुरली में क्या कहा है? मुरली में 36 कहा है, मुरली में 36 कहा है अवतरण का टाइम, या बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 बताया है? है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76 बताया है, न 34 में न 36 में। वहां तो प्रत्यक्षित होने की बात ही नहीं हुई। बच्चा जब गर्भ में प्रवेश करता है तो उसे जन्म लेना कहा जाता है? हैं? कब कहा जाता है? जब बाहर प्रत्यक्ष होता है तब जन्म लेना कहा जाता है। तो ऐसे ही यहां भी है, नौ दस महीने लगते हैं जन्म लेने में, उसमें भी 5-6 महीने लगते हैं पिंड तैयार होने में। वो पिंड चैतन्य होता है या निर्जीव होता है? निर्जीव होता है। तो ऐसे ही 60 वर्ष की जब अवस्था हुई तो निर्जीव पिंड था, फिर 40 वर्ष और ऐड किए तो 76 आया। वो चैतन्य बन के प्रत्यक्ष हुआ संसार में। वो कहेंगे रात्रि के 12 बजे विदेशियों ने जाना कि बाप आया हुआ है, इसलिए विदेशियों में दिन की शुरुआत कितने बजे मानते हैं? 12 बजे मानते हैं, और भारतवासियों में 5 बजे सवेरे को। तो भारतवासियों का सवेरा अभी होने वाला है, अभी हुआ नहीं है। बाबा अभी बेसिक में
अनाउंस कर दिया 2012 में, डेट भी फिक्स कर दिया, क्या होने वाला है? क्या फिक्स कर दिया? डेट भी फिक्स हुआ है। किस बात की डेट फिक्स हुई है? हैं? विनाश होने वाला है। 76 में विनाश होने वाला नहीं था बेसिक में? अरे 76 के लिए विनाश होने की डेट निश्चित नहीं की थी? की थी या नहीं की थी? वो लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखो, नीचे क्या लिखा हुआ है? आने वाले 10 वर्षों में इन्हें लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा, पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तो वो बात झूठी हो गई। बेसिक वाले क्या बताते हैं इस संबंध में? मुरली में भी आया कई बार कि 10 वर्षों में दुनिया का विनाश होगा, लक्ष्मी नारायण का जन्म होगा। फिर ज्ञानामृत पत्रिका में भी छपाई दिया। तो बेसिक वाले उस संबंध में क्या बताते हैं? अभी की बात क्यों? पहले जो बात कही सो झूठी हो गई, तो अब जो बात कहेंगे सो उसका जवाब है नहीं पहले वाली बात का। तो अभी भी जो तुम कहते हो वो नोट कमाने के लिए कहते हो, ले ले आओ, धद्दर जाओ। पैसा सारा मेरे में, पता नहीं आगे चल के एडवांस पार्टी प्रखर हो गई और हमारी संस्था बंद हो गई, तो हमें तो पैसा मिलना बंद हो जाएगा। इसलिए जो तुम्हारे पास टटा पूंजी है पहले इलाके धर दो, 12 में विनाश हो रहा है। क्या विनाश किया? कहाँ हुआ विनाश? 2012 डेट फिक्स कर दी, बेहद भी क्या होने वाला है? बेहद में क्या होना? अरे उन्होंने अपनी तरफ से नहीं बोला, माया सभ्यता की एक दुनिया वालों की कैसेट निकली है, उस माया सभ्यता में बताया गया कैसेट में कि 2012 में दुनिया विनाश हो जाएगी, तो उसके आधार पर उन्होंने भी डंका पीटना शुरू कर दिया। भारतवासियों ने सुनी सुनाई बातों पर दुर्गति पाई सो? तुम्हारे पास कोई पक्का प्रूफ है कि सुनी सुनाई बात है? हैं? बेसिक वाले बोले? अरे कोई वाले बोले, वो सुनी सुनाई बात है या कोई पक्की बात है? सुनी सुनाई बातें हैं। न तो उन्होंने ज्ञान पत्रिका में छपाया है, न कोई मुरली में ऐसी सूचना दी है। और है मिनी मधुबन में क्या करते हैं? क्लास में पहुंच नहीं पाते हैं, मिनी मधुबन के क्लास में। गीता पाठशाला में तो क्लास कर रहे हैं, तो क्या हुआ? क्यों कट्टी बट्टी करनी पड़ेगी? क्लास तो कर रहे हैं। मिनी मधुबन में नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन बाबा के क्लास में तो जा रहे हैं, मुरली तो सुन रहे हैं। स्टूडेंट मर तो नहीं गया, क्लास में अटेंडेंस तो दे रहा है। क्या बोला गया? ये कोई बात नहीं हुई। मिनी मधुबन की निमित्त बहनें रहती हैं, इसलिए माथा टेकना जरूरी है, ये कुछ नहीं। ये कोई बात नहीं होती है, बाबा का क्लास करना जरूरी है या माथा टेकना जरूरी है? क्लास करना जरूरी है। वो रजिस्टर उनका चेक कर लो, गीता पाठशाला में आते हैं तो ठीक है, अगर नहीं आते हैं, 2-4 महीने नहीं आए, एब्सेंट हैं, तो दोबारा भर्ती करनी पड़ेगी।
और रोज क्लास पढ़ती है लेकिन समाधान में नहीं आती है, क्या करना पड़ता है? रोज क्लास पढ़ती है समाधान में नहीं आती है। तुम नहीं आए तो इसे क्या परिणाम होगा? संगठन में नहीं आते हैं तो कोई परिणाम नहीं हो, क्या परिणाम होगा? रोज पढ़ती है तो बता तो दिया, संगठन में नहीं आते हैं तो कोई बात नहीं, क्लास तो बाबा का रोज कर रहे हैं, वहाँ भी तो संगठन होता है, वहाँ भी तो ब्राह्मणों का चार छह ब्राह्मण आते हैं गीता पाठशाला में कि नहीं? तो परिवार में रहते नहीं है क्या? किसी का परिवार छोटा होता है, किसी का परिवार बड़ा होता है, तो चलो बड़े परिवार के भांति नहीं है, शूटिंग नहीं हो रही है। कौन से परिवार की शूटिंग हो रही है? छोटे से ब्राह्मण परिवार की शूटिंग हो रही है। जैसी शूटिंग हो रही है वैसा परिवार वहां भी मिलेगा। बाबा बेसिक के आमने सामने अपना गीता पाठशाला के लिए अगर रूम मिले तो रखना चाहिए यार। बड़ा बढ़िया बात, बाबा का डायरेक्शन है। जो सन्यासियों के आश्रम है उनके आश्रम के सामने ही तुम अपनी गीता पाठशाला खोल दो, बड़ा मजा आवेगा। मुरली में बोला है तो अच्छी बात है। और नेपाल में दशहरा के दशमी के दिन जो माथे में मतलब चावल का टीका लगाया जाने का प्रचलन है, है? चावल का टीका है ना, लगाने दशहरा के दशमी के दिन लगाने का यहाँ पर प्रथा है, तो इसका क्या मतलब है? जब रावण मरेगा माया ही मर जाएगी, माया रावण मर जाएगा तो हमें कोई विघ्न पैदा करने वाला रह जाएगा? हैं? नहीं रहेगा। तो जब माया ही नहीं रही, माया रावण ही नहीं रहा तो हमारा आत्मा रूपी टीका टिक जाएगा या हिलता डुलता बुझता रहेगा? तो टीका लगाया जाता है। जब रावण मर जाता है तब असली टीका लगता है। दशहरा के बाद ही दीपावली मनाई जाती है। दीप कब जगते हैं? जब रावण मर जाता है तब दीपक जग जाते हैं। दशहरा से पहले दीपावली हुई है कभी? क्या नहीं होती? पहले तो रावण मरे, माया खलास हो जाए, फिर उसके बाद हमारी आत्मा रूपी दीपक सदा के लिए जग जाएंगे, क्योंकि कोई विरोध करने वाला तो रहेगा नहीं। कहां की दुनिया की बात है? संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में दो पार्टियां हैं, माया रूपी रावण संप्रदाय और राम संप्रदाय। ये माया रूपी रावण संप्रदाय खलास हो जाएगा, इसलिए मुरली में बोला है सब सेंटर्स में लिखना पड़ेगा आध्यात्मिक ईश्वरी विश्वविद्यालय। इसलिए तुम वो शब्द हटा दो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द, सिर्फ लिखो गॉडली स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, नहीं तो बोलो तुमसे लड़ेंगे। कौन लोग आके लड़ेंगे? है अगर तुम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी शब्द डालोगे तो वो आकर के तुमसे लड़ेंगे। तो अपोजिट पार्टी है ना, उस अपोजिट पार्टी का ही नाम रख दिया है माया रूपी रावण संप्रदाय। वो खलास होगा तो तुम्हारा कोई विरोध करने वाला रह ही नहीं जाएगा। तुम जिसको जाके समझावेंगे उनकी बुद्धि में बैठेगा। अभी तो हम जाके समझाते हैं वो जाके लिप्पा लगा देते हैं, ग्लानी का इंजेक्शन लगा देते हैं, खेल खलास कर देते हैं।
और ज्ञान के सुनने पहला पात्र ज्ञान को किसके साथ मिल रहा हूँ सृष्टि ने क्या सूर्य को किसके साथ मिल रहा हूँ रही पड़ता है बहन दावा बोलना चाह रहे हैं कि फर्स्ट में ज्ञान किनको मिला फर्स्ट में ज्ञान किनको मिला सुनाया फर्स्ट में ज्ञान उसको मिला जो दुनिया में किसी से ज्ञान नहीं लेता जो सबको ज्ञान देने के निमित्त बनता है परंतु किसी से लेता नहीं उसी को मिला बताओ रोशनी दुनिया में कौन किसको देता है वो किसी से रोशनी नहीं लेता लेकिन उससे सारी दुनिया रोशनी लेती है कौन है वो गीता में भी लिखा हुआ है कि मैं जब आता हूं तो सबसे पहले ज्ञान की रोशनी किसको देता हूं सूर्य को देता हूं सूर्य कोई को देता है लेकिन कोई से लेता नहीं है और राम ने क्या किया था हाँ तोड़ा था है राम ने किया उस समय हाँ उनको गलत फहमी हो गई उन्होंने समझ नहीं पाया कि राम ही भगवान है भगवान का साकार रूप है इसलिए वो नाराज हुए वो धनुष उनके पास सुरक्षित करके रखा गया था कि तुम अपनी कस्टडी में रखो इसे परंतु उस धनुष को जो शिव का धनुष था उसको दधीचि ऋषि की हड्डियों का भी धनुष कहा जाता है वो दधीचि ऋषि कोई दूसरे नहीं है ब्रह्मा बाबा ही दधीचि ऋषि है धनुष माने जिसमें लचीलापन हो प्रत्यंचता खींचते हैं तो यूं लपक जाता है फिर प्रत्यंचा ढीली करते हैं तो फिर फैल जाता है माना जिसके शरीर रूपी धनुष में इतना लचीलापन हो कि जितना कठोर से कठोर पुरुषार्थ करना चाहे तो कर सके ऐसा धनुष ऐसा पुरुषार्थ रूपी धनुष जो दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना हुआ था बहुत पावरफुल धनुष था उसको भी राम ने तोड़ दिया माने उनके पुरुषार्थ से आगे पुरुषार्थ करके दिखा दिया माने तोड़ दिया और बाबा बहन जी बोल रही है कि दसवीं के दिन यहाँ पे जौ छीटा जाता है सप्तमी के दिन सप्तमी के दिन आत्मा के नाम में सामने इसका अर्थ क्या है दशहरा होता है दशहरा अब नहीं वो रक्षाबंधन के समय की बात तो नहीं है सब चीज बीज मिला करके फिर देते हैं सब
आत्माओं के नाम में सत्वित वृद्ध आत्माओं के नाम पर क्या करते हैं? सत्वित सीता जाता है। सात तरह के बीज बोए जाते हैं, कब? काली चतुर्दशी नेपाल में कोई चतुर्दशी स्पेशल होती है? ये बाला चतुर्दशी कौन से महीने में होती है? कार्तिक में। अच्छा, तो वर्ष का अंत होता है ना, जब वर्ष का अंत होने वाला होता है तो सात तरह के बीज बोए जाते हैं, वो उन्होंने भक्ति मार्ग में वर्ष के अंत में मना लिया है। लेकिन है कल्प के अंत में, कल्प के अंत में जो सात मुख्य धर्म हैं सप्त ऋषियों के, और सातों मुख्य धर्मों के जो बीज हैं वो बोए जाते हैं कल्प के आदि में, अर्थात कल्पांत में, तो नए कल्प में पैदा होंगे। कल्प के अंत में बोए जाते हैं और नए कल्प में वो सप्त ऋषि जाकर के सात ऋषि सतयुग में सात नारायण बन जाते हैं। और जिनसे सात धर्म संसार में फैलते हैं, बाबा ये राम राम की आत्मा को इस संगम युग में मतलब वो सूर्य के रूप में और ध्रुव तारा के रूप में किस किस स्थान पर ऐसा माना जाता है? सूर्य के रूप में पार लगाने वाला के रूप में, और ये आपने बताया कि ध्रुव तारा के बीच रूप में जब मान्यता है। अरे जब पुरुषार्थ संपन्न हो जाता है तो सूर्य हो गया, शिव समान पहले था या पुरुषार्थ पूरा होने के बाद शिव समान है? हैं? बाप शिव आकर के बच्चों को आप समान बनाते हैं, तो नंबरवार आप समान बनते हैं या कोई एक है जो 100% बाप समान बनता है? एक बनता है बाप समान। जो बाप समान बनता है वो पुरुषार्थ पूरा होने से पहले सूर्य था या पुरुषार्थ पूरा होने के बाद सूर्य बनता है? पहले सितारा था, जैसे 500-700 करोड़ सब मनुष्य आत्माएं सितारे हैं, वो भी एक सितारा है। लेकिन वो ऐसा सितारा है षष्ठी रूपी रंगमंच का हीरो पाठधारी, जिस हीरो पाठधारी के चारों ओर सारे ही पाठधारी घूमते रहते हैं, वो भी नाटक होता है, तो सारे ही पाठधारी किसके आसपास घूमते हैं? हीरो पाठधारी के आसपास घूमते हैं। तो वो राम वाली आत्मा भी पहले ध्रुव तारा है, जिस ध्रुव तारा के आसपास सारे ही सितारे घूमते हैं, वो अपनी जगह पैटल रहता है। संगम युग में जब पुरुषार्थ पूरा होता है तो बाप समान की स्टेज को प्राप्त करता है। और द्रौपदी को भी ध्रुव तारा के रूप में बताया गया ना? द्रौपदी को भी ध्रुव तारा के रूप में बताया गया ना? द्रौपदी को उनका पद बताया ध्रुव तारा मिसल, अकेली द्रौपदी नहीं है, ध्रुव पद भी है, राजा द्रुपद भी है, राजा द्रुपद है तो ध्रुवपदी भी होगी। एक जैसा युगल होना चाहिए ना, तो प्रवृत्ति मार्ग है जगत पिता और जगदम्बा का,
उसका नाम ध्रुवपद रख दिया, उसका नाम ध्रुवपदी रख दिया। दोनों का पद अटल है, कोई कितना भी हिलाए डुलाए। क्या कितने भी विघ्न पैदा करे, नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। ये दोनों ही आत्माओं के लिए लागू होता है। और गुरु जी ने बताया अभी भारत दुख धाम है, दुख धाम एक दुख दुख देते रहते हैं, है ठीक है, एक दुख दुख देने का मतलब। अरे भिकारी है निर्विकारी है, है? भिकारी है तो दुख देंगे या सुख देंगे? हाँ भारत, भारत में जो भी हो, जो ज्ञान में रत हैं, ज्ञान में रत रहने की कब तक जरूरत है? पुरुषार्थ पूरा होने तक या पुरुषार्थ पूरा होने से पहले? पूरा होने से पहले की बात है। जब नाम ही भारत है, ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान में रत हैं, ज्ञान में लगे हुए हैं, तो देवता बन गए या असुर हैं? असुर हैं तो दुख नहीं देंगे क्या, सुख देंगे क्या? तमो प्रधान आत्मा दूसरों को दुख देती है या सुख देती है? दुख देती है। और शिव बाबा सुख देता है। बाप दादा बच्चों में प्रवेश करके सेवा करते हैं, तमो प्रधान आत्मा सेवा नहीं कर सकती, क्या संशय आता है? हाँ, कुछ आता तो है नहीं आता। चलो मनमना भाव माने क्या? मनमना भाव माने मेरे मन में समा जा, बाप अमन है। बाप अमन है, कौन सा ऊपर वाला या नीचे वाला? ऊपर वाला अमन है। और वो ऊपर वाला नीचे आया हुआ है या ऊपर है? नीचे आया हुआ है। और नीचे वाले में आया हुआ है तो वो जो सोचता है, जो संकल्प करता है, वो संकल्प करो, दूसरा मत करो। मन मना भव मेरे मन में समा जा, तो जो कहने वाला है वो साकार है या निराकार है? साकार है। उसको अपना मन है या नहीं है? है कि ऊपर वाले को मन है? है ऊपर वाले को मन है? ऊपर वाले का तो मन नहीं होता है, वो तो अमन है, सदैव सुख चैन में है। नीचे वाला सुख चैन में है या नहीं है? है नीचे वाला जो है वो सुख चैन में है या नहीं है? नहीं है। रोज रोज नए नए तेज तूफान आते रहते हैं तो अमन चैन तो नहीं है। फिर भी मन कुछ संकल्प विकल्प करता है या नहीं करता है? करता है। तो वो जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी सोचता है, वो हम भी सोचे, उसके मन में समा जाए। जब संकल्पों में भी समानता हो जाएगी तो दृष्टि वृत्ति कर्मेंद्रियों की कृति में समानता होगी या नहीं होगी? हो जाएगी। और जब इतनी समानता हो जाएगी तो संगठन पावरफुल बनेगा या कमजोर बनेगा? पावरफुल बनेगा। इसलिए कहते हैं मनमना भव। मनमना भव पहले या मध्याजी भव पहले? पहले मन के संकल्पों में समा जा, फिर वाचा भी वैसी ही निकलेगी जैसा मन के अंदर होगा, फिर कर्मणा भी वैसी ही होगी। फिर जब कर्म करना शुरू करेंगे तो जो भी अर्पण करेंगे
वो यजन करेंगे। यजन करना माने यज्ञ में आहुति देंगे, तन की, मन की, धन की, समय की, संपर्क की, संबंधियों की जो भी आहुति देंगे वो मनमना भव हो करके देंगे। मेरे मन में समा जा, अर्थात मेरे मन के मुताबिक संकल्प कर। देखना है घड़ी घड़ी जो बात मैं बोल रहा हूं वो बात बाप को प्रिय है या नहीं है, जो कर्म मैं कर रहा हूं वो कर्म बाप को प्रिय है या नहीं है, जिस दृष्टि से मैं देख रहा हूं वो मेरी दृष्टि बाप को प्यारी लगेगी या नहीं लगेगी। अगर नहीं है तो छोड़ देना है या चालू रखना है? छोड़ देना है। इसको कहेंगे मनमना भव। मनमना भव महामंत्र है। छोटे मोटे मंत्र होते हैं उनका भी अर्थ होता है, और ये तो महामंत्र है तो इसका अर्थ भी बहुत गहरा होगा या हल्का होगा? बहुत गहरा अर्थ है। एडम्स पार्टी में ये ज्ञान की समझ का इतना फर्क स्तर के बाद भी है? ये जो ज्ञान की समझ का जो फर्क स्तर है ना एडवांस ज्ञान में, तो एडवांस ज्ञान में चलने वाली आत्मा फिर मनमना होगी तरह राजयोग क्यों नहीं दिखाई पड़ते? मना वो राजऋषि कभी बनेंगे ही नहीं, अभी नहीं दिखाई पड़ते हैं, इसका मतलब कभी जिंदगी में बनने वाले हैं? बनने वाले हैं या नहीं है? नहीं है। इनके पूछने का मतलब क्या है? बनेंगे तो धीरज धर मनुआ, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। जो हमें दूसरों में नहीं दिखाई पड़ता है उसके लिए हम क्या करें फिर? पहले अपने में धारण करके दिखाएं। और रामायण में त्रिजटा का अर्थ क्या है? तीन जटाओं वाली। एक चोटी तो करते हैं, कोई कोई छोटी छोटी कन्याओं की दो चोटियां भी की जाती हैं, लेकिन त्रिजटा को तीन चोटियां थी। भारत में खास विष्णु के मंदिर बनाते हैं, शंकर के मंदिर बनाते हैं, विष्णु की पूजा करते हैं, शंकर की पूजा करते हैं, विष्णु की मूर्ति बनाते हैं और शंकर की मूर्ति बनाते हैं, ब्रह्मा की पूजा नहीं करते, ब्रह्मा की मूर्ति नहीं बनाते, ब्रह्मा के मंदिर नहीं बनाते, लेकिन रावण के राज्य में एक ऐसी राक्षसी थी जो ब्रह्मा की भी पूजा करती थी, मन मंदिर बनाती थी, मूर्ति बनाती थी, ब्रह्मा के ऊपर भी विश्वास था, उसकी भी उपासना करती थी और विष्णु की प्रिय भी उपासना करती थी और शंकर की भी उपासक थी। तीनों ज्ञान की जटाएं
वो धारण करने वाली थी, इसलिए सीता की सुरक्षा करती थी। राम के प्रति उसका भी अटूट विश्वास था। तो तीन चोटी धारण करना माने तीनों मूर्तियों में अटल विश्वास पैदा करके रखना। ये तो पता है कि ब्रह्मा की मूर्ति सफल नहीं होती है, इसलिए पूजा नहीं होती है। लेकिन ब्रह्मा नहीं होता तो जो वेदवाणी मुरलियां हैं वो हमारे हाथ लगती क्या है? नहीं लगती। इसलिए निमित्त तो बनाना, देवता धर्म की स्थापना नहीं हुई लेकिन ब्राह्मण धर्म तो स्थापन किया। चलो अव्वल नंबर ब्राह्मण धर्म में सूर्यवंशी स्थापन नहीं हुए, बाकी जो नीची कोटि के ब्राह्मण थे चंद्रवंशी इस्लामी बौद्धी क्रिश्चियन आदि आठ कुरियों के ब्राह्मण तो स्थापन हुए कि वो भी नहीं हुए? वो तो हुए। इसलिए ऐसे नहीं कह सकते कि षष्ठ प्रक्रिया में ब्रह्मा का कोई हाथ नहीं है। नहीं, जो फाउंडेशन में होता है वो सदाकाल के लिए होता है। हाँ, फाउंडेशन दिखाई नहीं पड़ता है, ऊपर की मंजिल के कंगूरे सबको दिखाई पड़ते हैं दूर दूर से भी। इसलिए त्रजटा राक्षसी दिखाई है, अभी सीता कहां पल रही है? रावण की कैद में पल रही है या कहीं दूसरी जगह है? रावण की कैद में पल रही है। जहां भी पल रही है तो वहां कोई त्रिजटा राक्षसी भी होगी। क्या सूर्यवंशी कुल की नहीं है? कौन से कुल की है? राक्षसी कुल की है। चंद्रवंश को भी राक्षसी कुल नहीं कहेंगे, राक्षसी कुल पैदा ही होते हैं द्वापर युग से। लेकिन राक्षसी कुल की होते हुए भी रामचरण रति निपुण बेशेख, राम के चरणों में उसका विशेष प्यार होता है, इसलिए सीता की सुरक्षा करती है।